अपनी आंखों की ट्रीटमेंट शुरू करवाने जा रही है, घबराई हुई है थोड़ी थोड़ी, है ना, है ना। नहीं घबरा दे, अरे सारी टीडी फैमिली की दुआएं। अरे वाह क्या बात है, माता जी ने तो बिल्कुल ही इमोशनल बात कर दी। परमात्मा की दया, परमात्मा की दया तो है ही, उसी भी खरा काम चल रहा है। जैसे जी किसी नॉर्मल सर्जरी में कहते हैं ना कि आपने खाली पेट आना है, पानी भी नहीं पीना पिछली एक रात से, क्योंकि अगर एनेस्थीसिया देना हो तो फिर वो वॉमिट वगैरह का खतरा रहता है, तो इसीलिए ऐसा हम मम्मी ने पूछा था। बट ऐसे तो कुछ नहीं ना मम्मी? नहीं, उन्होंने कहा कि आप अपना जो है नॉर्मल हल्का फुल्का नाश्ता करके अपनी शुगर और बीपी की मेडिसिन इंसुलिन वगैरह करके फिर आओ, है ना, कि भाई बीपी वगैरह भी सब कुछ कंट्रोल में रहे, हर चीज ड्यूरिंग द प्रोसीजर। वो राजी यहाँ पे है QRG हॉस्पिटल में। मैं गाड़ी लगा के आया मम्मी, है मास्क पहन के जाना। माता जी को ले गए जी अंदर। अभी हमने जैसे हमारा जो मेडिक्लेम है उसके अंदर ये प्रोसीजर कवर्ड है। 3-4 दिन पहले इनके अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेज दी थी, तो 45,000 का इन्होंने बताया था अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस आएगा। 35,000 का अप्रूवल आ गया था, और आमतौर पे जाते हुए इन विद एक्सेप्शन फॉर अ फ्यू थिंग्स जैसे कंज्यूमेबल पूरा क्लेम मिल जाता है। 20 मिनट्स के अंदर कहते हैं वापस ले आएंगे कि जो इनको इंजेक्शन लगना है वो लग जाएगा। और इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि वो कहते हैं कि शुगर का जो इफेक्ट है वो आँख पर थोड़ा सा आना शुरू हो गया था, कि भाई शुगर इनकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई थी रिसेंटली, तो आँख में ना इनकी राइट आई में हल्की सी स्वेलिंग हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं और उससे हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है आँख में, विच इज़ लाइक एन एक्सट्रीम स्टेज जहाँ तक कहानी नहीं जानी चाहिए। तो इसीलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पे हम जो है मम्मी को अभी से ही जितनी जल्दी ये हो सकता है कराने लें, काम पहले हो जाना चाहिए था बट कोविड के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया, बट देर आए दुरुस्त है, अभी इनकी हो जाती है फिर इनको लेके जाना है। मगर एक हफ्ते का जो परहेज है ना वो बहुत सॉलिड बताया हुआ है कि पानी टच नहीं होना चाहिए आँख पे बिल्कुल भी। और मैंने पूछा कि मम्मी तो हर टाइम टीवी वगैरह देखना होता है, इनका टाइम पास कैसे होगा, तो वो कह रहे हैं अभी तक तो कंडीशन ऐसी लग रही है कि आप एक दिन के लिए पूरा प्रॉपर परहेज करो और कल से शायद देख पाओ, बाकी तो जब प्रोसीजर हो जाएगा तब पता लगेगी। फिंगर क्रॉस, भगवान के आगे हाथ जुड़े, ठीक ठाक सब हो जाए और मम्मी आती है तो फिर मैं आपको आगे की खबर देता हूँ। ये टेबलेट अभी चल रही होगी, कंटिन्यू चलेगी? आया मैंने पूछा इनसे कैसा फील हो रहा है, तो कहते हैं कि बस हल्की हल्की सी सेंसेशन हो रही है आँख में पेन की, क्योंकि इंजेक्शन का कोर्स है, इंजेक्शन दिया गया, तो मैंने ज़्यादा बात तो नहीं करी अभी कि लेट जाएं। फिर इतने में गुड़े दीदी आ गई, अभी तो मम्मी के साथ हैं तो इसलिए मैं आपको बाहर आके अपडेट दे दूं। बट हुआ क्या क्या है उसके अंदर और कैसा फील हुआ उनको इंजेक्शन लगते हुए आँख में, तो फिर जब मम्मी के साथ वापस जाएंगे तब पता करेंगे। मगर अब 2-3 घंटे वेट करनी पड़ेगी, यहाँ पे सब कुछ हो गया है बट इंश्योरेंस का अप्रूवल आना है TPA का, तो वो आ जाए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर बिल क्लियर करके डिस्चार्ज समरी भी आ गई है, मेडिसिन भी समझाती है, सिर्फ 3 दिन ड्रॉप्स डालनी है आँखों में और कुछ नहीं करना, और अगर पेन हो तो कोई पेन किलर कॉम्बिफ्लेम टाइप। हाँ जी माता जी आ गई हैं जी, काम ठीक से हो गया मम्मी? लग तो नहीं है, बाकी इनसे घर ले जाके फिर आगे बात करते हैं कि भाई कैसा रहा इनका। ठीक हो? ठीक है, चलो अब थोड़ा मतलब वो टीका लगा, दर्द तो नहीं? दर्द उर्द खास कुछ नहीं हुई, तो पहले तो मुझे लग रहा था, मैंने पहले ही पूछ लिया दर्द तो नहीं होगी, वो कहता जी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं दर्द आपको बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा फिर हुआ कैसे? पहले कैसे? तो उन्होंने पता नहीं कि एंटीबायोटिक्स कुछ लगा, एंटीसेप्टिक से? हाँ, क्या एंटीसेप्टिक्स, हाँ शायद वही लगाई होंगी, साफ किया होगा शायद। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है कुछ पिचकारी मार के वो कह रहे हैं अब हम वॉश कर रहे हैं। ठीक है, वॉश किया होगा। ओके, फिर उसके बाद फिर बोला कि अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब आपको इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, तो भैया आंख हिलाना मत बिल्कुल भी, एक कर दे डॉक्टर मतलब ने कहा, पलक नहीं चिपकानी। हाँ पलक नहीं चिपकानी। हाँ। और एक साइड देखने का डॉक्टर ने कहा
ऊपर देखो, मेरे फेस की तरफ देखो। हाँ, हाँ। तो मैंने नजर टिका ली, भैया नजर टिकाना है तो मुश्किल, क्योंकि पलक झपकने का वो रहता है। हाँ, फिर? तो फिर मैंने पूछा मैं ठीक देख रही हूँ? बोले हाँ हाँ बिल्कुल सेट देख रहे हो। फिर वो लग गया, कहते हैं वो आपको लग गया इंजेक्शन, कुछ हुआ फील? मैं कहा नहीं, दर्द नहीं हुआ। फिर बाद में कहते हैं आप जो है एंटीबायोटिक दवा डाल रहे हैं। अच्छा, तो पूरा साथ साथ बता बता कर रहे। डॉक्टर निखिल सेठ हैं जी, फरीदाबाद के, वन ऑफ द मोस्ट नोन। तो अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने जो लगा रखा था हाँ वो हटा दिया और बोला जी अब आप धीरे धीरे उठो। अच्छा, अब ये पट्टी कब खोलनी है? तब लगा दी पट्टी, वो कह रहे हैं शाम को खोल देना। शाम को, चलो ठीक है, थोड़ा सा आराम का और हो जाए। बाकी एक चीज जो बहुत बढ़िया मेरे को लगी, जैसे मैं पिछली बार भी मेरे से लोग पूछे थे वीडियोस में कि आपका इंश्योरेंस कौन सा है, HDFC एर्गो है हमारा इंश्योरेंस, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, हमारी एक्चुअली जो यूज़ करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस ही इसका ये था और अच्छा चलता आ रहा है। क्योंकि अभी जैसे हम जब देते हैं तो फटाफट उनके ना रात पे SMS आ जाते हैं कि अब आपकी फाइल सबमिट हो गई है, अब आ गई है, अब अप्रूव हो गई है, अब कैशलेस की इन्हेंसमेंट, क्योंकि 35,000 का आया था अप्रूवल, उन्होंने कैशलेस के लिए पहले रिक्वेस्ट भेजी, चला गया, फिर जो 45,000 का आया वो भी अप्रूव हो गया, होके आ गया। अब इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग केस होते हैं, हर किसी के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, किसी के अच्छे किसी के बेकार, बट हमने तो अभी दो तीन साल हुए हैं, पहली बार जरूरत पड़ी थी इस कंपनी में स्विच किए हुए, तो अभी तक फिलहाल का एक्सपीरियंस ठीक है। माता जी को थोड़ा रेस्ट कराते हैं, फिर इनकी पट्टी वट्टी खोलेंगे। अभी चल रहे हैं पपीता और गुड़े दीदी अंदर किचन में इनकी जो है खाना लेके आई हुई है, रीहीटिंग रोटी छोटी बन रही है, फिर उसके बाद देखते हैं TV का क्या आराम बोला है। अभी मैं नहीं देखूंगी। नहीं देखोगे? अच्छा, दो दिन बाद देखो जी, हम दोनों सो गए थे डेढ़ दो घंटे, बट हम मम्मी की पट्टी लाने का टाइम आ गया, ला रही है मम्मी। आपकी तो आईब्रोज भी उखड़ गई थोड़ी थोड़ी, इसमें वैक्सीन हो गई है। अच्छा बहन जी, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खुल गई। हाँ, कितने हैं? मेडिसिन डालनी शुरू करो। मैं डाल दूं? मम्मी कहती मैं आप पाऊंगी। एक एक डालनी है? एक 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 ही डाली। अभी ये बता कि दोनों में डालनी है? नहीं नहीं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है जिस आंख में प्रोसीजर हुआ उसमें डालनी है। अभी मम्मी ने बाहर तो जाना नहीं, तो मम्मी जो है अंदर ही थोड़ा सा ना हिलना डुलना सैर कर लेती हैं। बाय द वे अगला दिन हो गया है और पूरा हम माता जी को रेस्ट करा रहे हैं। हाँ जी मम्मी, TV देखना शुरू कर दिया आपने शायद? थोड़ा बहुत, थोड़ा सा चलाया था। हाँ, पर डर के मारे ज्यादा नहीं देख रही। अच्छा, बट आज ओवरऑल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले देखा, मम्मी ऐसे करके चेक कर रही थी, ऐसे करके, मैं कह ये क्या? मम्मी देख रही है आंखों में कितना फर्क है, कुछ धुंधला है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। बाकी जी अभी क्योंकि माता जी की थोड़ी कंडीशन अपना पूरा जो है ना अटेंशन और मांगती है कि भाई इनको किचन में भी नहीं जाना, चूल्हे वूल्हे से इन चीज़ों से दूर रहना है, ऐसा कुछ ना हो कि आँख से जिसके अंदर पानी पड़ जाए या पानी आ जाए, तो इसीलिए कल मैं एक दिन की छुट्टी भी लूँगा। और दूसरी चीज़ के अभी क्योंकि स्पेशल यही पर्पज था वापस आने का कि माता जी की थोड़ी सी सेहत का भी ध्यान रखना है, और सैंड्रा भी नहीं आ पा रही, तो इसलिए टाइम जो है हम घर में ही स्पेंड कर रहे हैं जितना हो सकता है। कभी कभी मैं फ्रेंड से मिल जाता हूँ। बाकी अब कुछ ही दिन के अंदर प्लान कर रहे हैं निकलने का, जैसी मम्मी थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी तो फिर बनाए जाएंगे कुछ घूमने के और कुछ नई चीज़ों के एक्सपीरियंसेस के। बाकी फिलहाल तो अभी ऐसे ही है। वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।